नहीं जाना, आखिरी सहरी होगा नदी आज, कर ली पेट भर के। अच्छी बच्ची हो ना, गुड गर्ल हो ना। सो गाइस, आज है आखिरी रोज़ा और रमज़ान जो है जा रहा है, अलविदा कह दिया रमज़ान ने, और हमारे जो मेहमान आए थे रमज़ान वो अब जा चुके हैं, और आज बस आखिरी इफ्तारी की तैयारी हो रही है। पकौड़े बनाए हैं मैंने, और यहाँ मैंने ये जो है कबाबें और रोल बनाए हैं, और बस ये तैयारी करने के बाद फिर हमने जाना है मेहंदी लगाने बच्चों को सबको, और शीर खुरमा बनाएंगे, पूरियाँ बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग चांद रात है, तो चांद रात बनाएंगे हम और आप मिलकर। तो चलिए इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरे चांद रात का ब्लॉग कैसा लगा है। खोल लिया और अब बच्चियाँ गई हैं मेहंदी लगवाने, और मैं यहाँ पे जो हूँ शीर खुरमा बना रही हूँ। मैंने कहा जल्दी से ये शीर खुरमा वगैरह बनाने के बाद जो है मैं फटाफट से मेहंदी लगवाने जाऊँगा। शीर खुरमा जो है मैंने रख दिया है रेडी, बस हो जाएगा, सब कुछ डाल दिया इसमें। और ये मैंने अभी आटा गूंदा है पराठे वगैरह बनाने के लिए, तो पराठे वगैरह बनाऊंगी क्योंकि मेहंदी लगने के बाद पराठे आटा वाटा नहीं गूंदूंगी मैं, तो सोच रही हूँ कि मेहंदी लगवाने से पहले ही सारा काम जो है वाइंड अप करती हूँ। तो बस जल्दी से आटा वाटा गूंदती हूँ और जो है पूरियाँ वगैरह बनाती हूँ ताकि टेंशन ना हो। शीर खुरमा जो है मैंने रख दिया है रेडी, बस हो जाएगा, सब कुछ डाल दिया इसमें। और ये मैंने अभी आटा गूंदा है पराठे वगैरह बनाने के लिए, तो पराठे वगैरह बनाऊंगी क्योंकि मेहंदी लगने के बाद पराठे आटा वाटा नहीं गूंदूंगी मैं, तो सोच रही हूँ कि मेहंदी लगवाने से पहले ही सारा काम जो है वाइंड अप करती हूँ। तो बस जल्दी से आटा वाटा गूंदती हूँ। जो है मैंने पूरियाँ भी बेलना शुरू कर दी हैं, और अब जो है बस पूरियाँ वगैरह बना के फिर मैं निकलूँगी मेहंदी के लिए। जो है मैंने पूरियाँ भी बेलना शुरू कर दी हैं, और अब जो है बस पूरियाँ वगैरह बना के फिर मैं निकलूँगी मेहंदी के लिए। इधर दिखा आगे, अच्छी लगी। नबीरा की बनाना भूल गई। कितने बजने वाले? बारह। मुझे पता नहीं। हम मेहंदी लगवा कर आ गए हैं, और ये है नबीरा की मेहंदी। नबीरा दिखाओ अपनी मेहंदी। ये नबीरा की मेहंदी है और मैंने भी लगवा ली है, ये मेरी मेहंदी, और हम सब ने जो है मेहंदियाँ लगवा ली हैं। मेरा को हम रात में मेहंदी लगाएंगे, फबिया की मेहंदी। मेरा को हम रात में मेहंदी लगाएंगे ना मेरा, और फबिया का ड्रेस ऑनलाइन नहीं आया, तो अब उसके ड्रेस के लिए जाना है, तो चलिए उसका ड्रेस लेने चलते हैं। आज की चांद रात ऐसे ही निकलने वाली है, मजा आ रहा है, मजा आ जाएगी। मुझे एक दिन जरूर आ जाना, घर का आइडिया बता दूंगी। सही है, इधर जरा जरूर फ्रेंड्स को कुछ मिलने वाला नहीं, मुझे ऐसे ही घुमा रही है, हराज कर रही है, नहीं मिलने वाला कुछ। मिलेगा, चलो देखते हैं। नहीं मिलने वाला, मैं बोल रही हूँ। गाइस, हम इंटर हो गए हैं मॉल में, और देखते हैं कि इन्हें दूध मिलता है या नहीं। कहाँ, यहाँ देखना है, चलाओ देखते हैं। देख लो अब तुम जब निकली हो तो। कुछ समझ नहीं आया इस लड़की को, अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। तो आप सबको गाइस ईद मुबारक, और आज हम उठ गए हैं और अब तैयार होंगे। कपड़े निकालो अपने, धो ली। कलर कैसा आया दिखा? अच्छा आया कलर, माशाल्लाह। पहले कल तो लाइट लाइट आ रहा था, फिर ऊपर भी उतना रह रह के आएगा, तो आ गया रह रह के आएगा, रह रह के। इसका तो अच्छा कलर आया, इसका बहुत अच्छा कलर आया। आप भी लगाए मेहंदी? फबिया पहन रही है आज, ये दिखाओ फबिया।
सुबिया आज ये पहन रही हैं ग्रे कलर, बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, अच्छा लगेगा, लाओ इस्त्री कर दूँ। और नबीरा क्या पहन रही है? इस्त्री के बिना पहन रही हूँ। नहीं ऐसे कोई सीन नहीं है, मैं कर देती हूँ इसको। नहीं नहीं ये फ्रॉग स्टाइल है, ये है नबीरा का सूट, नबीरा ये पहनेंगी आज, तो चलो रेडी हो जाओ। सो गाइस नबीरा ने जो है पूरे रोज़े रखे थे, तो इन्हें जो है रोज़ा खुशाई नहीं की थी, तो इन्हें इनकी दादी ने जो है हार पहनाया था और इन्हें जो है एक सोने का लॉकेट गिफ्ट किया नबीरा को। तो ये ईद के दिन ही जो है नबीरा को मिला और नबीरा काफ़ी जो है हैप्पी हो गई थी। तो बच्चे बस इन छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, और जब बच्चे रोज़ा रखते हैं तो इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करनी चाहिए पेरेंट्स की, पेरेंट्स को, ताकि जो है बच्चों का दिल हो रोज़ा रखने का। तो बस ये थी छोटी सी खुशी, बच्चों ने काफ़ी ईदें वगैरह बटोरी और तैयार वगैरह हुए, और मैंने जो है फिर मैंने ये बिछाई है चादर, और ये नबीरा को मिला है हार। और नबीरा 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 अपना वो दिखाओ, गोल्ड पेंडेंट, गोल्ड पेंडेंट दिखाओ। और बच्चे हो गए हैं रेडी, ये दिखाओ अपने ड्रेस, दिखाओ अब अपना ड्रेस दिखाओ, तहाँ मुंह से हाथ निकालो। और नबीरा को मिला है ये हार गोल्ड का, वाह नबीरा यही पहन लो अच्छा लग रहा है। हाँ यही पहन लो अभी, घर में पहन लो। फाइनली जो है बच्चों को रेडी वेडी करवा के मैं भी रेडी हो गई थी, मैंने ये मेहंदी लगवाई थी क्योंकि मेरा कलर आया मेहंदी का, और मैं इस तरीके के मैंने पम्प्स पहने हुए थे इस पर ब्लैक कलर के, तो मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। और फिर जो है हम बच्चों को लेके गए ऐसे ही राउंड वगैरह खिलवाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सब रिलेटिव आए हुए थे तो हम निकल नहीं पाए, तो फिर बच्चों को ऐसे ही हमने हल्का फुल्का सा राउंड खिला दिया और जो है आइसक्रीम वगैरह खिलाई। तो ये है कि बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छी ईद गुजरी। जो है पहली वाइंड अप हो गई है और ये यहाँ पे सो गई हैं, हम गए थे चक्कर वगैरह खाने, और ये यहाँ पे ये लोग प्ले कर रहे हैं, और मिरहा भी तकरीबन सो चुकी हैं, और यहाँ नबीरा और ताहा जो है खेल रहे हैं। ये तुम दोनों नहीं थके हुए? हाँ तुम दोनों को थकने लगी? 10 नहीं बजे 12 बज रहे हैं, 10 नहीं बजे। अच्छा तुम्हारी घड़ी पीछे है? देखो। अच्छा जरूर देखती हूँ, देखती हूँ ना। हाँ तो ये था चांद रात से ईद तक का ब्लॉग। सॉरी मैं ब्लॉग अलग अलग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल था कि मैं नहीं कर पाई। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कि आप लोग इतना इतना क्वालिटी टाइम निकालते हमारी वीडियोज को वॉच करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने गाँव में पास मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।